चारों बगल बहुत ही भीड़ लगा हुआ है लंबा, और ये काफी धूमधाम से मनाया जाता है, तो आप लोग भी देख सकते हैं पीछे भी हमारे काफी भीड़ लगा हुआ है। देखिए मेला भी लगा हुआ है, दिखाते हैं आप सभी को, है ना, साथ में चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। रविंदर जी बता दीजिए कि कहाँ पर ये मतलब तालाब है? ये अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में वाराणसी के एक तालाब है, यहाँ पे आदित्य नगर जिसे तालाब कहा जाता है वहीं पर हैं हम लोग, और यहाँ पे चारों बगल मेला भी लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगा हुआ है, तो यहीं पर हम लोग चारों बगल घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, तो देखते हैं आगे, आइए दिखाते हैं ना। यहाँ देखिए ये कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू बना हुआ है, पहले नहीं था, अभी फिलहाल नया बन रहा है, देखिए ये पेंट चल रहा है। इस छठ पूजा में बच्चे से बूढ़े से लेकर सबको इन्वॉल्व है ना, सबको आए हुए हैं मेला पे, देखिए आप सबको दिखाते हैं। ये बच्चों के लिए है और 30 रुपया लेता है यहाँ घुसने से। क्या चीज कुछ याद आ रहा है ये वाला? हाँ ये देखिए, ये मैं पहले बचपन में मजे लेता था यहाँ पर, मेला समझाता था, तो आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं जब छोटे थे तो, है ना। पंडाल टाइप का एक बनाया हुआ है, वहाँ भी जाते हैं, काफी खूबसूरत है, देख सकते हैं। मस्त बनाया है, केवल बांस से बनाया है। और इसको क्या है रविंदर? ये स्पेस है, ये एक तरह का स्पेस है, ताकि यहाँ पे जो पंडाल बना हुआ है यहाँ पे उजाला के लिए बनाया गया है, इसलिए ये स्पेस दिया गया है। ऊपर मतलब कुछ घास टाइप का हो, क्या घास है? ये एक तरह का घास होता है, जो बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, पतला, जिसे खर भी बोला जाता है, वो भी है, ये वही है। देखिए कितना मेहनत से बनाया, कलर भी मस्त कर दिया है, एकदम मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर पूरा बच्चा लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे दिखाते हैं, सही है। ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए कर रहे हैं। जो आप सामने देख रहे हैं वीडियो छोटा है, इसमें बड़े लोग भी जा सकते हैं, छोटे लोग भी जा सकते हैं, और वहाँ पर एक क्या बोलेंगे इसको, नाव है, क्या नाव है?
अभी एक छोटा सा मेला था तो वहाँ से अभी जाने के बाद दीदी बुला रही है पूजा करने के लिए, तो अभी जा रहे हैं हम लोग। देखिए रविंदर जा रहा है, काफी भीड़ भड़ा का है, देख सकते हैं आप। चारों ओर पूरा भक्तिमय से भरा हुआ है, देख सकते हैं भीड़ कैसे लगा हुआ है। जे भी हमारा आवाज सुन रहा बा, मेरे पीछे देख सकते हैं आप यहाँ के बोले छठी मैया आई, हे मौसा तो उठा के बोले छठी मैया आई। अलच के लबो ही हरि धुने आती हरिया, लच के लबहो ही झूमे लाती हरिया, लच के लबहो गैस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार छठ पूजा मतलब अटेंड किया, इतना भीड़ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ये पार्क टाइप का है, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग शाम में आए हुए हैं सूरज ढलते समय, ये शाम का दृश्य है दोस्तों।